हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उसके हम लोग 10 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। ये जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी वीडियोज़ को बिगिनिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भरोसा इनिशिएटिव की, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा, रमेश पोखरिया। ठीक है, तो ये भरोसा इनिशिएटिव क्या है, मेन पर्पज क्या है, किन लोगों के लिए ये लॉन्च किया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। गाइस, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक के टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अनअकैडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कैटेगरी, किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी के जो, अनअकैडमी पर इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो मैं बता देता हूँ। इफ़ यू गो फॉर 1 ईयर प्लान तो इसका टोटल अमाउंट पड़ेगा 5,400 रुपये विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा, मेरा कोड याद रखिएगा SKT Live। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये आपको टोटल पड़ता है 6,480 का। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, आई थिंक 2 ईयर इज मोर बेटर देन 1 ईयर। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए कोड यूज करना मत भूलेगा और मेरा कोड याद रखेगा SKT Live। चलिए अब बात करते हैं आज की इनिशिएटिव की। तो ये जो इनिशिएटिव है रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जो आपके HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा। इनके द्वारा ऑलरेडी एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसका नाम था पढ़े इंडिया कैंपेनिंग, आपको याद है, पढ़े इंडिया ऑनलाइन, एक ये कैंपेनिंग इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, कि ये जो कैंपेनिंग था इग्नू के साथ था इनका। ठीक है, इग्नू के साथ इन्होंने लॉन्च किया था जिसमें कुछ कोर्स और प्रोग्राम हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च किए गए थे। दूसरा एक और लेके आए थे नेशनल टेस्ट अभ्यास, तो जो IIT JEE के एस्पिरेंट है और नीट के एस्पिरेंट है उनके लिए फ्री मॉक जो टेस्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किए थे और ये थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भरोसा इनिशिएटिव। तो अगर मैं ब्रीफ में बात करने जाऊं तो इस इनिशिएटिव का मुख्य एम है वो जो बच्चे इस समय जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं वो कुछ, अगर मैं बात करूं, कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो उनको उस स्ट्रेस से बाहर निकाल के लेके आना, उनकी साइकोलॉजिकल और मेंटल काउंसलिंग करना, ये इस इनिशिएटिव का मेन एम है। ठीक है, तो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उड़ीसा यूनिवर्सिटी में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है भरोसा इनिशिएटिव, और इसके लिए एक यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया। ठीक है, दूसरा इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, टू रिलाइव द डिस्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिटी ड्यूरिंग द ट्रबल टाइम ऑफ लॉकडाउन। तो बच्चों के दिमाग से जो मानसिक प्रेशर है, दबाव है, उसको निकाला जा सके। ठीक है, उनको मेंटल और साइकोलॉजिकल फिट बनाया जा सके, ये इस इनिशिएटिव का मेन एम है। तो अगर आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक और वीडियो देखिएगा। एक जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने भी इसी तरह का कोई एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुकून। ठीक है, ये जो सुकून है ये इसमें एक TV चैनल के थ्रू वो लोग कुछ साइकोट्रिक्स, कुछ डॉक्टर्स बुलाएंगे जो लोगों को मेंटल और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग। तो सुकून इनिशिएटिव अगर मैं बात करूँ तो ये जम्मू कश्मीर में, लेकिन सभी लोगों के लिए, नॉट फॉर ओनली फॉर स्टूडेंट पर्पज। लेकिन ये जो भरोसा इनिशिएटिव बात कर रहे हैं, इट इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट पर्पज, जो स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया है उड़ीसा यूनिवर्सिटी में। तो लगभग दोनों इनिशिएटिव का एम जो है लगभग वो सेम है। ठीक है, तो आई थिंक दोनों को आप रिलेट करके याद रखिएगा, एक सुकून को और दूसरा कौन सा, भरोसा। बाकी जो अदर इनिशिएटिव लॉन्च किए गए रमेश पोखरियाल के द्वारा उनको भी देख लीजिएगा, सब आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पढ़े इंडिया ऑनलाइन कैंपेनिंग और नेशनल टेस्ट अभ्यास। अब इस इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में देखिएगा जरा,
तो मैंने बोला कि हेल्पलाइन नंबर दिया गया जिसका मेन एम यही है कि बच्चों को स्ट्रेस से बाहर निकाला जा सके, ठीक है, उनको साइकोलॉजिकल और मेंटली फिट रखा जा सके। और ये जो इनॉग्रेशन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा, और उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव की बहुत सराहना भी की, और उन्होंने बोला कि इस इनिशिएटिव की मदद से जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटल और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से उनके जो दिमाग पर गलत असर पड़ा हुआ है तो वो दूर होगा, ठीक है। दूसरा, मिनिस्टर ने ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी ये रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के अंदर, तो उनको भी इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करने चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल या कारगर साबित हो सकते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो उन्होंने बोला कि इनिशियली इसके अंडर टोटल जो कॉल रिसीव हुए, याद रखिएगा 400 से ज़्यादा कॉल रिसीव हो गए इसके फर्स्ट फेज में। दूसरा, साथ में जो उड़ीसा मिनिस्टर ऑफ फॉर हायर एजुकेशन मिस्टर अरुण कुमार साहू है, उन्होंने भी इस एफर्ट की सराहना की, और साथ में बोला कि मे बी उम्मीद करते हैं हम कि ये जो इनिशिएटिव है ये बच्चों को स्ट्रेस से निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल या कारगर साबित होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको याद रहेगा ये जो भरोसा इनिशिएटिव है, ये याद रखिएगा, ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है वो आपने याद रखना है। कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। यहाँ के सीएम की अगर हम बात करने जाएँ तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। अभी यहाँ पर एक तूफान ने हिट किया था जिसका नाम था अम्फान, याद रखिएगा, अम्फान साइक्लोन, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अलोकेशन हुआ है वो 500 करोड़ का हुआ है। और कोलकाता को भी हिट किया था, बंगाल को भी अम्फान साइक्लोन ने, वहाँ पर 1000 करोड़ दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इनिशिएटिव भरोसा याद रखिएगा उड़ीसा का है, ठीक है। यहाँ के सीएम भी याद रखिएगा गणेशी लाल साहब हैं। अब उड़ीसा के बारे में और क्या, हाँ, दूसरा एक और याद रखिएगा, इसी तरह का एक मिलता जुलता जो इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका नाम था सुकून। तो ये एक टेलीविज़न प्रोग्राम है जो हर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर टीवी में टेलीकास्ट की जाएगा, लेकिन ये स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है जिसका नाम है भरोसा इनिशिएटिव, ठीक है। अब उड़ीसा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, उड़ीसा के बिगिनिंग में जो कैपिटल थी वो कटक हुआ करती थी, बट अब कैपिटल क्या है इसकी, याद रखिएगा भुवनेश्वर। और सीएम की बात करने जाएँ तो नवीन पटनायक साहब, और गवर्नर याद रखिएगा गणेशी लाल। उड़ीसा में दूसरा अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में कभी कभी वो पूछने लगता है आपको कि कौन सी रिवर है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में जो रिवर है वो है महानदी रिवर, ठीक है। और इस पर बना हुआ कई बार डैम भी पूछता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ उड़ीसा के बारे में स्टैटिक पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिएगा, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए, और अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी लेक्चर्स उनकी पीडीएफ आपको इसी ग्रुप पर मिल जाएगी। एंड फॉर रेगुलर अपडेट प्लीज़ ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज़ करना मत भूलेगा, और मेरे कोड का नाम याद रखिएगा, मेरे कोड का नाम है SKTLive। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।